अस्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज का यही टॉपिक है बच्चों, और बहुत आसानी से समझ में आएगा। 5 मिनट समय आप मेरे साथ दे दिए। कहता है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है बच्चों, उसमें एक सेंट्रल मेटल होता है और लिगेंड से घिरा होता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे NI है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, 4 है ना। ये सेंट्रल मेटल है, एंटिटी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर पहला एलिमेंट जो होगा सेंट्रल मेटल होगा, और उसके बाद जो होगा लिगेंड्स होगा। यानी कहने के मतलब मेटल होता है और मेटल जो है लिगेंड से रिएक्ट करता है। ये जो रिएक्शन होगा रिवर्सिबल, मतलब दोनों तरफ होगा, ML बनेगा, है ना। अगर इस प्रकार के रिएक्शन में अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, यही होगा। यानी ML होगा, इसको कंसेंट्रेटेड फॉर्म में करते हैं, M प्लस L। M और L क्या है, M से मेटल, L से लिगेंड। अब बच्चों ML है ना, ML फिर लिगेंड से करते हैं, है ना, तो ये हो जाता है Mn2 हो जाता है ना। फिर K2 करते हैं, K2 बराबर यहाँ हो जाएगा Mn2 डिवाइडेड बाई ML और L का कंसेंट्रेशन। चलिए फिर एक स्टेप में करवाते हैं, Mn2 है, फिर लिगेंड से करवाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, Mn2 यहाँ कर दीजिए, Mn2 है ना, यह हो जाएगा Mn3, यानी K3 बराबर हो जाएगा K3। Mn3 का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Mn2 और यहाँ हो जाएगा L। चलिए 3 स्टेप में चौथा स्टेप में करवा दीजिए, Mn3 है, फिर लिगेंड से करवाते हैं, Mn4 यानी K4 हो जाएगा, K4 यानी Mn4 का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Mn3 और L। अब बच्चों ए जो हुआ K1 K2 K3 K4 है, यहां हो जाएगा वेयर, यहां लिख दीजिए वेयर K1 K2 K3 एंड K4 इज अ स्टेप बाइज अस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये तो हो गया। अब बच्चों इस सभी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, ये हो जाएगा बराबर β4। यहां लिख दीजिए वेयर β4 बराबर हो गया ओवर ऑल अस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब बच्चों क्या कर रहा है, यही रिएक्शन को एक स्टेप में करवा देंगे, है ना। जैसे है मेटल प्लस 4 लिगेंड है ना, रिवर्सिबल करेंगे रिएक्शन, ये बन जाएगा Mn4 है ना, Mn4। अब यहां करेंगे चूंकि सभी के लिए है, यहां बीटा 4 इज इक्वल टू
ML4 का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय M का कंसेंट्रेशन, और जो लिगेंड है वो चार है, वो पावर में चला जाएगा। यही तो है बच्चों आपका स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कहता है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एप्लीकेशन क्या है, तो यहाँ ध्यान देंगे मेटल और लिगेंड के बीच जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करता है, मेजर करता है कौन, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। रेगुलर क्लास करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ धन्यवाद।